जैसा कि स्टूडेंट्स आपके लिए डेफिनेशन थी अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज, अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज। कोई दिक्कत नहीं, अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज, तो इसमें आप लिखेंगे माना एक सह संबद्ध क्षेत्र कैपिटल जी में लिखेंगे आप सभी, विवेक कुमार नमस्ते भाई, इसमें लिखेंगे माना कि एक सह संबद्ध क्षेत्र कैपिटल जी में एफ ऑफ जेड एक मानीय विश्लेषिक फलन है, एफ ऑफ जेड एक मानीय विश्लेषिक फलन है, तब एक फलन फाई जेड, तब एक फलन फाई जेड फलन एफ ऑफ जेड का, एक फलन फाई जेड फलन एफ ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल अनिश्चित समाकल कहलाता है यदि, अनिश्चित समाकल कहलाता है यदि फाई डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड, या अगर इसका आप समाकलन करें तो अवकलन हट जाएगा यहाँ से, ओनली फाई जेड इक्वल टू इंट्रीगेशन कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस कोई कांस्टेंट के। अब आपके लिए एक थ्योरम आएगी इसमें, और ये थ्योरम रहेगी समाकलन का मूलभूत प्रमेय, समाकलन का मूलभूत प्रमेय। समाकलन का मूलभूत प्रमेय, कथन लिखेंगे इस प्रमेय का, माना एक सह संबद्ध क्षेत्र जी में माना एक सह संबद्ध क्षेत्र कैपिटल जी में एफ ऑफ जेड एक मानी विश्लेषिक फलन है, यदि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तब ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए,
आप देखेंगे सभी, अगर हम फाइव जेड इक्वल टू इस इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड को कैपिटल एफ ऑफ जेड से डिनोट कर दें प्लस कांस्टेंट के, जहां कैपिटल एफ ऑफ जेड ये स्मॉल एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जेड को कहा गया है, तो आप देखेंगे अगर इसके प्रूफ के लिए हम कोई फंक्शन डिफाइन करें, माना फाइव जेड इक्वल टू जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी, जेड ना लिख करके हमने टी में कन्वर्ट कर दिया है इसको, ओके, क्योंकि जब आप लिमिट लगाओगे तो जेड की फॉर्म में ही लगेंगी। ये कोई फंक्शन माना, ये जो फंक्शन है ना कैपिटल एफ ऑफ जेड के इक्वल है, फाइव जेड नहीं, ये कैपिटल एफ ऑफ जेड लेना होगा, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ जेड किसको माना है, कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड को, ओके। ये है अपने पास कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू, जो कि जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड, और आपको थ्योरम में दिया है। थ्योरम का देखो एक लाइन और बढ़ा देंगे आप इस थ्योरम के स्टेट में, और ये है जहां फाई जेड एफ ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल है, इसके बाद ही लिख दोगे, जहां फाई जेड एफ ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल है, अनिश्चित समाकल है, ओके। तो ये कोई फलन हमने मान लिया, अब दिया है आपको चूंकि फाई जेड एफ ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल है, फाई जेड एफ ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल है, तब अनिश्चित समाकल के लिए आपके पास फाई जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस कोई कांस्टेंट के, ओके। अब देखिए हमसे जो प्रूफ करवाया है वो है फाइव ई माइनस फाइव ए, तो एक बार तो आप जेड की जगह बी लिख दें, एक बार जेड की जगह ए लिख दें, तो ये बन जाएगा फाइव ई फाइव ई माइनस फाइव ए इक्वल टू, फाइव बी का मतलब है जेड की जगह बी लिखना है, तो ये बनेगा एफ ऑफ बी। या एक काम कीजिए, दोनों स्टेप को अलग अलग सॉल्व कर लो, पहले फाइव बी, अब फाइव बी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस के, और ए लिखेंगे इसमें जेड की जगह, तो ये बनेगा तथा फाइव ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस के, दोनों को घटा दिया जाए तो घटाने पर बनेगा फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, के कट जाएगा ना घटाने पर, एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो है जेड की जगह बी लिखोगे तो जेड नॉट टू जेड, देखिए एफ ऑफ बी का मतलब है जेड को बी बनाना है तो जेड नॉट टू बी, और ये है एफ ऑफ टी डी टी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब है जेड की जगह ए लिखना है जेड नॉट टू ए एफ ऑफ टी डी टी, ओके। अब आप जानेंगे इसमें कि ये जेड नॉट टू बी एफ ऑफ टी डी टी माइनस, जैसा कि आप जानते हैं लिमिटों को चेंज किया जाए तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये बन जाएगा ए टू जेड नॉट एफ ऑफ टी डी टी, ओके। ये वैल्यू है अपने पास फाइव बी माइनस फाइव ए, फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू लिमिट ए टू बी, और देखिए अगर लिमिट ए टू सी और सी टू बी हो तो यहाँ क्या ए टू जेड नॉट टू बी है ना, तो सीधे आप ए टू बी लिख सकते हो ना इस लिमिट को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, ओके। अब आप ये भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है, इस टी को जेड में रिप्लेस कर सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड, ओके। वैल्यू रही है फाइव बी माइनस फाइव ए के इक्वल, जो कि आपको प्रूफ करना था।
ये इस थ्योरम का प्रूफ है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट इसका। चश्मा मंगा लिया कल से, लगा के आया था। टैबलेट दे दी डॉक्टर ने, तो उनको भी खाना पीना बना रखा है। गुरु जी जो ज्यादा भी है ना, कनिष्ठ कनिष्ठ ने जुड़वा दिया हमें, हमने तो कोई की ना कही, हमने तो ये खूब अच्छी है, बाकी कह रखी बाको को रहे थे मतलब ही ना। सुनिए भाई ये भी रख ली हुई कोई शादी वादी में ऊपर ही सर्च करके बहुत कम छोड़े ज्यादा ही परवाह नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको समझोगे आप, जैसे कि स्टार्टिंग का ही एग्जांपल रहेगा। एग्जाम्पल 7.9.1, 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड आई इक्वल टू, आप इसको 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए, आपको लास्ट जो मीटिंग थी पिछली उसमें बताया था कि समाकलन अगर कोई फलन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक हो, कोई भी फलन जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है विश्लेषिक हो, तो उसका जो समाकल है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। तो देखिए, यहाँ जो एफ ऑफ जेड का मान है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, और जो जेड स्क्वायर है वह एक बहुपद है, और बहुपद के बारे में आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो जेड स्क्वायर है ना वो एक विश्लेषिक फलन होता है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जो जेड स्क्वायर है वह क्या है? एक विश्लेषिक फलन होता है। विश्लेषिक फलन होता है तो इसका जो समाकल बनेगा, जो कि एक विश्लेषिक फलन है, जिसका समाकल बिंदु, देखिए 0 + 0 आयोटा का मतलब है 0.00 तथा 1 + आयोटा का मतलब है 1 1, जिसका समाकल बिंदु 0 0 तथा 1 1 को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होगा। 1 1 को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। ये आपको हम लास्ट जो थ्योरम थी उसमें करा चुके हैं। इसका मतलब है, देखिए अगर इसका डायग्राम बनाएं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 0 अपना ये पॉइंट 0 0 और ये होगा 1 1, तो आप देखिए अगर यहाँ 1 1 से इस एक्स अक्ष पे लंब डालें तो ये बन जाएगा 1 0,
एक्स का मान एक, वाई क्या है ये इस एक्स अक्ष पे, वाई जीरो। ओके, इस पॉइंट को ओ कहें, ये एम है और ये पी हो, तो जो समाकल है ना, अगर आप इस फलन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर का समाकल ओ एम के अनुदिश निकालो या एम पी के अनुदिश निकालो, समान आएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा थ्योरम कह रही है, क्योंकि आप चाहो तो ओ एम और एम पी के अनुदिश जाओ पी पॉइंट तक, और या फिर शॉर्ट में चले जाओ आप ओ पी तक, ओ पी से, तो समाकल दोनों ही स्थिति में समान आता है। लेकिन कंडीशन है कि फलन क्या होना चाहिए, विश्लेषक, विश्लेषक फलन होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई अब तो रिपीट कर, अब रिपीट नहीं हो पाएगा, अब तो पहले हम करा चुके हैं उसको, इंडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन को। किस कौन है, तो मैं तो नहीं आई, ठीक है। देखिए साथ के किसी भी और स्टूडेंट से ले लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप क्या करेंगे, किसी भी पथ के अकॉर्डिंग चलो। अगर हम इस एक्स, देखो अगर हम पहले ओ एम और फिर एम पी के अनुदिश चलें, तो देखिए अब ओ एम के अनुदिश, ओ एम या ओ एम क्या वास्तविक अक्ष है ना, वास्तविक अक्ष के अनुदिश, वास्तविक अक्ष के अनुदिश देखिए, वास्तविक अक्ष के अंदर चलोगे तो बाई जीरो होगा, इस पर क्या होगा एक्स अक्ष पे बाई जीरो, तो फिर जेड का मान जो कि एक्स प्लस आयोटा बाई है बाई जीरो रख दोगे, यहां से डी जेड निकालोगे तो डी एक्स आएगा। ओके, सेकंड देखिए काल्पनिक अक्ष के अंदर तथा काल्पनिक अक्ष के अनुदिश, आप देखेंगे काल्पनिक अक्ष यानी एमपी के अनुदिश चलें, किसके अनुदिश चलें, एमपी के अनुदिश, यहां आप लिख सकते हो एमपी, एमपी के अनुदिश। जब आप एमपी के अनुदिश जाओगे तो आपको पता है ये वाली लाइन एक्स इक्वल टू वन वाली होती है, एक्स इक्वल टू वन, तो z क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा बाई होता है ना, तो उस x की जगह ये लिख देंगे 1 प्लस आयोटा बाई, और dz बन जाएगा ये आयोटा डी बाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी भी स्टूडेंट्स को। अब देखो जो समाकलन पूछा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन जैसा कि 0 से 1 प्लस आयोटा है, 0 टू 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड, आप पहले ओ एम के अंदर चले जेड स्क्वायर डी जेड, इसके बाद एम पी के अंदर चले जेड स्क्वायर डी जेड, ओ एम के अंदर चलोगे देखेंगे आप, इस ओ एम के अंदर चलें तो जेड का मान क्या क्या है एक्स, तो जेड की जगह एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी जेड का मतलब डी एक्स, और ओ एम, ओ एम की अगर बात करें तो ओ एम के लिए देखो एक्स में बदला, एक्स की लिमिट क्या होगी, ओ से एम तक चलेंगे तो एक्स का मान जीरो और यहाँ एक्स का मान एक, तो लिमिट हो गई इसकी जीरो से एक। ओके, प्लस एम पी के अंदर चलोगे, इस एम पी के अंदर चलोगे तो जेड का मान है वन प्लस आयोटा बाई, वन प्लस आयोटा बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डी जेड की जो वैल्यू है वो है आयोटा डी बाई, आयोटा डी वाई। ओके, बस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और ये आंसर होगा इसका। आप देखोगे यहाँ ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट है जीरो टू वन। अभी आप यहाँ एम पी के लिए लिमिट लगाएंगे ना, डी वाई बाई में कन्वर्ट हो गया ना, तो बाई की लिमिट कितनी रहेंगी, बाई की लिमिट जीरो टू वन, बाई की लिमिट क्या आएगी जीरो टू वन। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री, वन प्लस आयोटा बाई स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा वन प्लस आयोटा बाई का क्यूब,
वन प्लस आयोटा बाई का क्यूब अपॉन में आयोटा और आता, उस आयोटा से ये आयोटा कट गया, तो ये बना लिमिट जीरो टू वन, जीरो टू वन। अब आप लिमिट लगाएं, एक लिखोगे तो एक बटे तीन जीरो लिखने पे जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ एक लिखेंगे तो ये बनेगा वन प्लस आयोटा का क्यूब, अच्छा अपॉन में थ्री और आएगा, इसका इंटीग्रेशन किया है तो, है ना। ये बना वन प्लस आयोटा, इस थ्री को तो पहले लिख दिया, ये लीजिए ये बना वन प्लस आयोटा बाई, बाई की जगह एक लिख दिया, क्यूब माइनस जीरो लिखेंगे तो एक बचा, एक की घात तीन एक आएगा तो एक बटे तीन, इस एक बटे तीन से ये एक बटे तीन कैंसिल, तो ये बना वन प्लस आयोटा का क्यूब जो कि इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब इसके बाद में नेक्स्ट और आएगा एक क्वेश्चन, सभी स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपके लिए, देखिए अगर कोई भी ऐसे लिख दिया आपको कि वृत्त मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, तो इसको आप लिख सकते हो जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ओके इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए इस जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा बाई, और इस ए को एक एक्स के साथ लिख सकते हैं ना, और मापांक इक्वल टू आर, यहाँ जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा बाई, इस ए को एक्स के साथ लिख दिया रियल पार्ट जैसे कि, इक्वल में आर ई की पावर आयोटा थीटा को लिखोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके यहाँ आपको पता है कि मापांक निकालते हैं तो अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बाई का स्क्वायर इक्वल टू आर। यहाँ देखिए आप अगर कंपेरिजन करें तो रियल पार्ट x माइनस ए बराबर होगा r cos थीटा के, और इमेजिनरी पार्ट y ये बराबर होगा sin थीटा के। अब देखिए इसमें अगर आप वर्क कर दें इसका, तो ये बनेगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ अगर दोनों का वर्क करके जोड़ें तो x माइनस ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग इक्वल टू आर वर्ग आएगा ना, तो दोनों ही वैल्यू ये सेम हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको इतना लिख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में ये वृत्त का समीकरण है, लास्ट वाले को ध्रुवीय रूप में कह देते हैं। ओके अब आप क्या करेंगे सभी स्टूडेंट, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास को रिजॉइन करें। ओके